सो है गाइस, दिस इज़ मी टू एंड यू आर वॉचिंग टेकमैन मी टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एप्लीकेशन नॉट इंस्टॉल, ठीक है, यानी कि ऐप नॉट इंस्टॉल, ये वाला प्रॉब्लम कैसे आप ठीक करेंगे। अगर आपका फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि ऐप नॉट इंस्टॉल, दोस्तों ये वीडियो को पूरा आपके लिए बनाया गया है, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखें। ये वीडियो देखने के बाद आपका फ़ोन में ये वाला प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखें, यहाँ पर मैं आपको तीनों तरीका बताऊँगा और तीनों तरीका को अप्लाई करते ही आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर इसी तरह वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन मुद्दे पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले वाला मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। आपका फ़ोन में जो सेटिंग है उस सेटिंग को आपको एक बार ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद दोस्तों देखिए ऊपर में आपको सर्च बॉक्स दिखने को मिलेगा, वहाँ पर जाने के बाद आपको लिखना है अननोन सोर्स, ठीक है। तो मैं आपको लिख लेता हूँ अननोन सोर्स। लिखने के बाद दोस्तों जैसे आप सर्च करेंगे तो सर्च का रिजल्ट कुछ इस तरह का आ जाएगा, लिखा जाएगा देखिए दोस्तों ऊपर में अननोन सोर्स इंस्टॉलेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद देखिए आपका फ़ोन में जितना भी सारा एप्लीकेशन वगैरह रहेगा वो यहाँ पर सारे का सारा एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर एप्लीकेशन में देखिए ये जो अननोन सोर्स इंस्टॉलेशन है ये ऑफ रहेगा। तो आपको करना क्या होगा ना, आपका जो यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र शो होगा ना उसको आपको ऑन कर देना है, ठीक है। दोस्तों देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर सारा का सारा एप्लीकेशन जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑफ है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या करके रखा है कि क्रोम ब्राउज़र इसको ऑन करके रखा, ठीक है। इस तरह से आपको रहेगा तो आपको करना इस तरह से टच करके इसको अलाउ करके ऑन कर देना है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने बताया था पहले वाला मेथड, अभी चलते हैं सेकेंड मेथड की ओर, ठीक है। तो दोस्तों सेकेंड मेथड के अप्लाई करने के लिए आपका फ़ोन में जो प्ले स्टोर है उसको आपको एक बार ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अभी देखिए दोस्तों ऊपर में राइट साइड कोना में आपका जीमेल का लोगो शो हो रहा है, वहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्ले प्रोटेक्ट, ठीक है। ये जो प्ले प्रोटेक्ट ऑप्शन है इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए राइट साइड कोना में ऊपर में देखिए आपको एक सेटिंग का आइकॉन मिला है, यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए आपके सामने दोनों ऑप्शन आ जाएगा, स्कैन ऐप विथ प्ले प्रोटेक्ट, उसके बाद इम्प्रूव हार्मफुल ऐप डिटेक्शन, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, देखिए ऊपर वाला जो ये जो ऑप्शन है इसको आपको एक बार क्लिक करना है। और क्लिक कर दोस्तों देखिए दोनों ऑफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से मैं टच कर रहा हूँ तो देखिए नीचे टर्न ऑफ का जैसे मैं क्लिक करता हूँ टर्न ऑफ वाला बटन पर, देखिए दोनों यहाँ पर ऑफ हो गया, ठीक है। तो आपको करना क्या करना, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से पहले प्ले स्टोर में आने के बाद आपको ये दोनों चीज़ को आपको ऑफ कर देना है। हालांकि ऊपर में ऑफ करते हैं नीचे भी ऑफ हो जाता है, तो आपको ये सब करना है। लेकिन दोस्तों आपको ये कब तक करना है ध्यान से सुने, जैसे अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा प्रॉपर तरीका से, फिर से आपको प्ले स्टोर में आना है और ये सारा चीज़ को आपको ऑन करके रखना है, ठीक है। दोस्तों ये अगर ऑन करके नहीं रखेंगे तो आपके साथ बाद में आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, ठीक है। तो आपको इसे ऑन करके रखना है, सिर्फ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा टाइम के लिए इसको ऑफ करना है, ठीक है। तो गाइस मैं चलता हूँ थर्ड जो मेथड है उसके ऊपर। तो मैंने आपको दोनों मेथड बताया, उसके थर्ड मेथड है कि दोस्तों आपका जो सेटिंग है उस पर आना होगा। सेटिंग पर आने के बाद आपको ऊपर में सर्च बॉक्स मिलेगा, यहाँ पर आपको लिखना है स्टोरेज लिखना है, ठीक है। तो मैं स्टोरेज लिख लेता हूँ। स्टोरेज लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद देखिए दोस्तों ऊपर में आ गया स्टोरेज, यहाँ पर जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन में जितना स्टोरेज रहेगा वो यहाँ पर शो करेगा। दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका फ़ोन में कितना स्टोरेज खाली है ये आपको चेक करना है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा स्टोरेज खाली नहीं है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि कुछ भी एप्लीकेशन या दो तीन एप्लीकेशन को आपको डिलीट करना है, या तो कुछ वीडियो गाना या तो MP3 गाना को आपको डिलीट करना है। यानी कि कुल मिलाकर आपको यहाँ पर एक ही चीज़ करना है, आपका यहाँ पर स्टोरेज थोड़ा खाली रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों चीज़ आपको अप्लाई करना है। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपका फ़ोन में जो अननोन सोर्स है वहाँ पर जाने के बाद आपको क्रोम ब्राउज़र को आपको ऑन कर देना है। दूसरा चीज़ प्ले स्टोर में आने के बाद आपको प्ले प्रोटेक्ट को आपको ऑफ कर देना है कुछ समय के लिए। और तीसरा तरीका मैंने आपको बताया है कि आपका जो स्टोरेज है वो आपको एक बार चेक कर लेना है। दोस्तों ये तीनों चीज़ करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जो एप्लीकेशन में ये जो ऐप नॉट इंस्टॉल वाला प्रॉब्लम आ रहा है ये 110% जेन्युइन तरीका है। इसको अप्लाई करने के बाद बिल्कुल आप ये प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अगर पसंद आता है एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ये बताना ना भूले कि ये सारा चीज़ अप्लाई करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिला है कि नहीं। दोस्तों मिलते हैं और एक नया इंटरेस्टिंग और मज़ेदार नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छा रहे, सुस्त रहे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।